भाजपा नेता के घर में अज्ञात लोगों ने लगाई आग, लाखों का सामान जलकर खाक। जिले के बड़पुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहाउदी मार्ग पर स्थित ग्राम कृष्ण नगर में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री राहुल राजपूत के घर में अनजान बदमाशों ने कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। अचानक आग लगने से अफड़ा तफड़ी मच गई। भाजपा नेता ने अपने घर के सभी सदस्यों के साथ पीछे के दरवाजे से निकलकर अपनी जान बचाई। आग लगने की घटना से घर के अंदर खड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी, 3 बाइकें, 2 साइकिलें एवं घरेलू सामान सहित लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर करीब 3 घंटे में काबू पाया। क्षेत्राधिकारी जसवंत नगर राजीव प्रताप सिंह, बड़पुरा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार शर्मा, तहसीलदार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही फॉरेंसिक टीम द्वारा जाँच पड़ताल की गयी। वही घटना के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का लगा आना जाना। आज रात करीब 1:10 पे मैं अपने घर में सो रहा था, कुछ आड़सी महसूस हुई तो कुछ अपनी पत्नी से बोला कि कुछ लग रहा है कि घर में कोई लोग हैं। तो मैंने अंदर से बोला कौन है, तो फिर मैं पीछे वाले गेट से भागा, घर वालों को जगाया, बोला कि घर में कुछ लोग मुझे महसूस हो रहा है, कुछ में गुस्सा है, तो बाहर जा सब लोगों ने देखा गया तो ये मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी में बहुत भीषण आग लग चुकी थी और उन्होंने ये पाइप को तोड़ा है, पाइप है और गेट के ऊपर जो रहने लगे हुए थे उनको सबको तोड़ कर ले गए वो लोग और तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसमें इटावासी यूसीटी साहब, तहसीलदार साहब तुरंत मौके पहुंचे और बड़पुरा थानाध्यक्ष तुरंत आए और फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सभी लोग घर में सुरक्षित हैं और मैं बस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो भी कोई व्यक्ति हो। लगभग कितनी क्षति हुई होगी इसमें? लगभग एक स्कॉर्पियो गाड़ी है S3 जो कि नई करीब 12-13 लाख रुपए की तो आती है और 3 बाइक हैं, 2 छोटी-छोटी साइकिल हैं और पूरा मकान करीब पूरा खत्म है, सामान जल गया है काफी, घर का सामान जो होता है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नील कमल की रिपोर्ट।